लवा ने 20,000 रुपीस में कर्व डिस्प्ले के साथ एक प्यारा सा फोन को इंडिया पर लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम रखा है लवा इग्नी 2। लेकिन यार आपको तो पता है 20,000 रुपीस में वन प्लस का भी फोन मिलता है, वन प्लस नॉट C3 लाइट। इसलिए तो बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज है ये दोनों फोन लेकर। आज इस वीडियो में दोनों फोन के बीच डिटेल कंपेयर करके आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। चलिए दोस्तों कंपैरिजन शुरुआत करता हूँ दोनों फोन की डिस्प्ले से। अगर आपको चाहिए सस्ते में अच्छा डिस्प्ले फोन तो आपको लवा इग्नी 2 के साथ जाना चाहिए। लवा का जो डिस्प्ले का साइज है 6.7 इंच फुल एचडी प्लस एमोलेड पैनल के साथ आता है। इसमें आप फुल व्यू डिस्प्ले का मजा ले सकते हो। कर्व डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। और वन प्लस में है 6.72 इंच फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी पैनल। इसमें भी आप फुल व्यू डिस्प्ले का मजा ले सकते हो। फोन आता है फ्लैट डिस्प्ले के साथ, इसमें भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। लेकिन आप लवा में यूट्यूब पर 4K HDR कंटेंट देख सकते हो, वन प्लस में आप फुल HD से ऊपर वीडियो नहीं देख पाओगे। जैसे डिस्प्ले में विनर है लवा इग्नी 2, यहाँ पर परफॉर्मेंस में भी विनर है लवा इग्नी 2, क्योंकि ये जो फोन आता है डायमेंसिटी की तरफ से 7050 चिपसेट के साथ, जो कि ऑक्टाकोर चिपसेट है 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। इसमें आप पबजी मोबाइल जैसा गेम 60 FPS में स्मूथली खेल सकते हो। और वन प्लस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से 695 चिपसेट है, जो कि ऑक्टाकोर चिपसेट है 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। इसमें आप पबजी मोबाइल जैसा गेम 40 FPS में खेल पाओगे। अगर आप गेमर हो, अगर आप फोन को थोड़ा हेवी में यूज करते हो तो बेटर परफॉर्मेंस निकल कर देगा लवा इग्नी 2। ऐसे भी कैमरा में भी विनर है लवा इग्नी 2, क्योंकि फोन आता है पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप के साथ। प्राइमरी जो सेंसर है 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल जो अल्ट्रा वाइड के लिए 2-2 करके दो सेंसर मिलता है। इस फोन की बैक कैमरा से आप 4K में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। और वन प्लस का फोन आता है पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। प्राइमरी जो सेंसर है 108 मेगापिक्सल, 2-2 करके दो सेंसर है। इसमें अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है और इसमें आप 4K में वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। दोनों फोन का जो सेल्फी कैमरा है 16 मेगापिक्सल। अगर आप चाहते हो फोटो में अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के टाइम अच्छा स्टेबिलाईजेशन, अगर आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा कैमरा प्रेजेंट कर रहा है लवा का फोन। ऐसे भी डिजाइन में विनर है लवा इग्नी 2। हाँ भाई मुझे पता है अब मुझे बताओगे मैं लवा की फेवर में बात कर रहा हूँ। सच में उस दोस्तों लवा के अंदर बेटर स्पेसिफिकेशन मिलेगा। ऐसे भी इसका जो डिजाइन है खतरनाक है, फोन देखने में काफी खूबसूरत लगता है। इसका जो फ्रेम है बहुत ही पतला है। कर्व डिस्प्ले होने की वजह से फोन का लुक जो है और भी बेहतरीन हो जाता है। फोन की पीछे की तरफ ग्लास बैक है, कैमरा का बाम भी इतना ज्यादा बाहर नहीं हुआ है। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो हर बार एक्यूरेट और फास्ट काम करता है। वन प्लस का जो डिजाइन है वो भी इतना बुरा नहीं है। इसका जो फ्रेम है वो पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है। हाँ भाई लवा की कंपैरिजन में इसका जो फ्रेम है थोड़ा सा मोटा है और फोन थोड़ा सा भारी भी है। फोन की पीछे की तरफ पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है जिसमें ग्लॉसी फिनिशिंग है। इसकी वजह से फिंगरप्रिंट का निशान तो चला आता है लेकिन क्रैशेस नहीं आता है। कैमरा का बाम भी इतना ज्यादा बाहर नहीं हुआ है। इसमें फ्लैट डिस्प्ले है, साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर है जो हर बार एक्यूरेट और फास्ट काम करता है। दोनों फोन हाल फिलहाल में एंड्रॉइड 13 पर रन हो रहा है। अगर आपको अच्छा वॉइस फोन चाहिए तो आप जरूर लवा की तरफ देख सकते हो, क्योंकि इसमें स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आपको थोड़ा फीचर्स ओएस चाहिए तो आप वन प्लस की तरफ देख सकते हो। ऐसे भी दोनों फोन 13 बैंड 5G के साथ आ रहा है और दोनों फोन में ड्यूल माइक भी है। ऐसे भी वन प्लस का फोन आता है ड्यूल स्टीरियो स्पीकर के साथ, लवा का फोन आता है सिंगल स्पीकर के साथ। बैटरी में साफ साफ विनर है वन प्लस के फोन, क्योंकि जो फोन आता है 5000 mAh बैटरी के साथ, इनबॉक्स आता है 80W का एडाप्टर के साथ, लेकिन ये जो फोन है 67W से चार्ज होता है। और लवा की फोन आता है 4700 mAh बैटरी के साथ और इनबॉक्स आता है 66W की एडाप्टर के साथ। अगर आपको चाहिए फास्ट चार्जर के साथ साथ अच्छा बैटरी बैकअप फोन तो आप वन प्लस की तरफ देख सकते हो। बात किया जाए दोनों फोन के स्टोरेज और प्राइस के बारे में तो वन प्लस का बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 8GB 128GB वेरिएंट से। ऑफर में ये फोन 19,000 रुपीस में मिलेगा। लवा इग्नी 2 का बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 8GB 256GB वेरिएंट से और ऑफर में ये फोन 20,000 रुपीस में मिलेगा। चलिए दोस्तों आप सीधी सी बात करते हैं दोनों फोन से कौन सा फोन बेस्ट होगा और कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। दोनों फोन की प्राइस और स्पेसिफिकेशन की तरफ देखा जाए मुझे लवा इग्नी 2 फोन सबसे अच्छा लगा है और ये जो फोन है स्पेसिफिकेशन के मामले में विनर भी रहता है। जैसे कि इसमें कर्व डिस्प्ले मिलता है, इसके कैमरा से आप 4K में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और इसमें आप पबजी मोबाइल जैसा गेम 60 FPS में खेल पाओगे। बहुत ही पावरफुल चिपसेट के साथ आता है जो डे टू लाइफ यूज में फोन हैंग वगैरह नहीं करता है। मुझे लवा इग्नी 2 फोन सबसे अच्छा लगा है। आपको कौन सा फोन अच्छा लगा है आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो, क्योंकि सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक लवा इग्नी 2 के साथ IQOO Z7 का कंपेयर वीडियो नहीं देखा तो आप पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो।